हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम ये बड़ा अच्छा वर्ड है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी एक क्लास के लिए एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम को क्लियर करके अगले में जाता है, उसका प्रमोशन होता है और वो अपनी लाइफ में आता है। हर एक पर्सन लाइफ के एवरी डे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर एग्ज़ाम दे रहा होता है और उसे क्लियर करके ही आता है। मीनिंग ये कि आप एग्ज़ाम देकर ही आगे बढ़ सकते, कंक्लूजन ये है। अगर हम बात 10th मैथमेटिक्स की करते हैं तो 10th मैथमेटिक्स में जो एग्ज़ाम्स होते थे और अब जो होने वाले हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? हाफ ईयरली हुआ करते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, क्वार्टरली, बहुत सारे नाम दिया जाता था। अब क्या है, जो अब CBSE ने नाम्स लगा दिया है, जो CBSE ने प्रेस्क्राइब सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम का पैटर्न बताया है 10th स्टूडेंट्स के लिए, हम बात करते हैं 10th मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की। तो 10th मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। CBSE ने 10th मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, या आप यूँ कहें कि सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है, लेकिन हम क्योंकि मैथमेटिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम मैथमेटिक्स के ही सिलेबस और उसके मार्क्स, उसके वेटेज को यहां डिस्कस करने वाले। एक है फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट है सेकेंड टर्म। अब अगर ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की बात होती है तो हम तुरंत ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में हैं, कौन कौन से चैप्टर्स सेकेंड टर्म में, और वेटेज क्या है। क्यों? क्योंकि वेटेज से हमारी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो जाती। अगर हमें पता चल जाए कि किसी एक चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा फोकस करें, क्यों? क्योंकि उससे मार्क्स में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले। इसमें जो पहला चैप्टर आने वाला है वो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है और वह है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसका वेटेज 6 मार्क्स का है, इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। सेकेंड चैप्टर जो आएगा वह आपके NCERT बुक का भी सेकेंड चैप्टर ही है, वह है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इसका अलग से वेटेज तो नहीं बताया गया क्योंकि दो चैप्टर्स का एक साथ वेटेज। थर्ड चैप्टर आपके NCERT बुक का भी थर्ड चैप्टर ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों को मिलाकर पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दोनों को मिलाकर वेटेज 10 मार्क्स। ये CBSE लेवल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है फोर्थ, वो आपके NCERT बुक का 6th चैप्टर है। मैं यहाँ 6th ही लिख रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि NCERT बुक के कौन कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 6th चैप्टर है ट्रायंगल। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स है। नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वह है 7th चैप्टर आपके NCERT बुक का और वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका वेटेज भी 6 मार्क्स ही है। नेक्स्ट चैप्टर आपकी बुक का NCERT बुक का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इसका वेटेज 5 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर आपकी बुक का 12th चैप्टर वह एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका वेटेज 4 मार्क्स। और नेक्स्ट चैप्टर आपके बुक का 15th चैप्टर और वह है प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज 3 मार्क्स।
ये टोटल अगर हम एडिशन करें तो ये हो जाता है 40 मार्क्स। आप चेक करके देख लें, 6 और 10 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 12 40। अब इसमें 10 मार्क्स आप अपने इंटरनल असेसमेंट का ऐड कर, क्या ऐड कर देंगे? इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क्स इसमें ऐड करने के बाद ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स। ये है आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस मार्क्स वाइज। सेकेंड टर्म में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट है वह है फोर्थ चैप्टर, मीनिंग एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर। मैं सीरियल नंबर में अगर लिखूं तो ये फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट टर्म में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अगर मैं इनको नंबर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सीरियल नंबर हैं, और ये जो मैंने लिखा है ये आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स के नाम, यानी 12th, 15 जो उनको नंबर मिला है। एनसीईआरटी बुक का जो फोर्थ चैप्टर है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का अकेले वेटेज तो डिफाइन नहीं किया गया, इसके साथ एक दूसरा चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन दोनों को मिलाकर कर दिया गया 10 मार्क। नेक्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का 9 चैप्टर वह एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका वेटेज 7 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक का 10 चैप्टर सर्कल्स, इस चैप्टर का वेटेज, और एक दूसरा चैप्टर 11th एनसीईआरटी बुक का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सर्कल और कंस्ट्रक्शन इन दोनों को मिलाकर ये वेटेज है 9 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का 13 चैप्टर वह है सरफेस एरिया एंड वैल्यू, इसका वेटेज 6 मार्क्स। और नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स जो आपके एनसीईआरटी बुक का 14th चैप्टर है, इस स्टैटिस्टिक्स का वेटेज 8 मार्क्स। अगर इसका आप टोटल करें तो 10 और 7 17 3 20 और 6 26 और ये 14, तो ये टोटल 40 मार्क्स। और एक बार फिर इसमें अगर आप इंटरनल असेसमेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म में इंटरनल असेसमेंट ये ऐड किया जाए, इंटरनल असेसमेंट की मीनिंग ये स्कूल देगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंसेस वो देखे जाएंगे, ये 10 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स का बन गया। ये है टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस जो सीबीएसई ने बताया है। इन चैप्टर्स को टर्म 1 में पूछा जाएगा और इन चैप्टर्स को टर्म 2। तो टर्म 1 की अगर बात करें तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, और सेकेंड टर्म जिसका एग्जाम मार्च और अप्रैल में, ये है 7 चैप्टर्स। बच्चों इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो एक बना हुआ है इससे रिलेटेड, वहां आप जा करके देख सकते हैं कि इन चैप्टर्स में कौन टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर।